आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अभिरा घर आती है और अरमान को अपनी दादी के घर ले जाती है। अभिरा दादी सा को अरमान से बात करने का वादा याद दिलाती है, लेकिन दादी सा कहती है कि उसने कल रात मजबूत दवा ली थी, उसे कुछ भी याद नहीं है। अरमान यह कहते हुए हस्तक्षेप करता है कि वे इसे स्वयं सुलझा लेंगे और वह अभिरा को कमरे से बाहर निकाल देता है। अरमान अभिरा से कहता है कि वह उसे अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दे सकता। अभिरा उसे सोनोग्राफी रिपोर्ट दिखाती है और कहती है, यह हमारा बच्चा है। अरमान उसे गले लगाता है, तभी अरमान को एक महिला की याद आती है जो प्रसव के दौरान मर गई थी, और अरमान उससे कहता है कि वह बच्चे की वजह से उसे नहीं खो सकता। फिर वह डॉक्टर को बुलाता है और पूछता है कि वे समाप्ति प्रक्रिया के साथ कब आगे बढ़ सकते हैं। अभिरा उससे रुकने के लिए कहती है, लेकिन अरमान जोर देकर कहता है, मैं तुम्हें अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दे सकता। वह अभिरा को रोता हुआ छोड़कर चला जाता है। बगीचे में अरमान सोनोग्राफी रिपोर्ट देखकर रोता है और बच्चे से माफी मांगता है। तभी मनीष उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वह किससे माफी मांग रही है। अरमान सोनोग्राफी रिपोर्ट छुपाता है और मनीष से कहता है कि वह किसी को नहीं बताएगा और वादा करता है कि वह हमेशा अभी के साथ रहेगा।